Playing with the monsters, they brought me alive, but got no alibi. It's a rebel's fight without an enemy. Hi guys, welcome to Cookie Smith. Guys, अक्सर हमारे घर में मेहमान या रिश्तेदार एकदम से आ जाते हैं और हम इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा सा बनाया जाए। तो आज की जो रेसिपी है वो आपकी इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व करने में मदद जरूर करेगी। गाइस, जो आज हम बनाने जा रहे हैं इसका नाम है चीज स्टफ्ड कैप्सिकम। इसमें सिंपली हम कैप्सिकम यूज करेंगे, कुछ मटर यूज करेंगे और सम कैरेट्स यूज करेंगे। तो ये जितनी बनाने में आसान है उतना खाने में डिलीशियस भी है, स्वादिष्ट भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, चीज स्टफ्ड कैप्सिकम बनाने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल दो कैप्सिकम को हाफ में कट कर लेना है। देन उसके बाद मटर 1/4 फ्रोजन मटर। देन उसके बाद गाइस मैंने अभी टोफू यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी 1 कप 125 ग्राम के करीब, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे कैरेट्स हैं, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, ये भी 1 कप 125 ग्राम के करीब। उसके बाद रिफाइंड ऑयल, ये बहुत कम यूज़ करना है हमने, 1 टेबल स्पून, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टोमेटो सॉस, ये ऑप्शनल है लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आएगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रीन चिली का पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, ये मार्केट से मैंने बॉटल ले रखी थी, इसकी सॉस आती है, तो आप चाहे तो ग्रीन चिली इसकी जगह दूसरी होल भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेश। देन उसके बाद गार्लिक और ग्रीन चिली, गार्लिक का इस 1 टेबल स्पून एंड सेम ग्रीन चिली भी 1 टेबल स्पून। अगर आप ग्रीन चिली पेस्ट कम यूज़ कर रहे हैं तो ग्रीन चिली ज़्यादा कर लें। सॉल्ट 2 टेस्ट, अनियन 1 नंबर, फाइन चॉप। अब गाइस सिंपली हमने एक यहाँ पे नॉनस्टिक पैन यूज़ करना है और ध्यान रहे गैस जो होगा हमने उसका जो टेम्परेचर बिल्कुल कम रखना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बिल्कुल 100 पे कर रखा है। तो गाइस अगर आप सिंपल गैस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप सबसे लो ही रखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल इसमें डाल देता हूँ। तो अभी रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है तो अब इसमें ये अनियन ऐड कर लें। एक ध्यान दें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है लेकिन हाँ थोड़ा सा कलर आ जाए इतना कुक कर लें। जैसे अगर कच्चा कच्चा रहेगा ना तो वो खाने में अच्छा लगेगा जब उसको स्टफ्ड करेंगे हम कैप्सिकम में, तो इसलिए ध्यान रहे बहुत ज़्यादा कुक मत कर देना। अनियन कुक हो चुके हैं तो अब यहाँ पे हम गार्लिक और ग्रीन चिली को ऐड कर रहे हैं, इसे भी अच्छे से कुक कर लें। उसके बाद यहाँ पे हमने ग्रेटेड कैरेट, इसे भी इसमें ऐड कर लें। अब इसे भी आपको अच्छी तरह से मिला देना है क्योंकि कैरेट्स में लॉट ऑफ मॉइस्चर होता है तो उस मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करने के लिए हमें अच्छी तरह से कुक करना है। मिक्स कर लें। जब आपको लगे अच्छे से मिक्स हो चुका है तो फिर इसमें ग्रेटेड पनीर, पनीर या फिर गाइस आप सोया पनीर, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें सम सॉल्ट, कई सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और आपका इसमें जो ग्रीन चिल्ली है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आप चाहें तो इसकी जगह ग्रीन फ्रेश जो होल चिल्ली होती है उसे भी चॉप करके डाल सकते हैं लेकिन मैं पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इस थोड़ा सा इसमें जो ग्रीन चिल्ली होती है वो कम होती है, थोड़ा सा चटपटा टेस्ट होता है इसमें,
तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली ग्रीन चिली को चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। और अब गाइस इसमें हमने मटर, इसे भी ऐड कर देना है। आप चाहें तो मटर को थोड़ा सा पहले पार बॉईल भी कर सकते हैं ताकि वो आपको खाने में कच्चे ना लगें। सिंपली हमें यहाँ पर सिर्फ इसे 5 मिनट के लिए कुक करना है, तो ढक्कन रख दें इसे सिंपली और सेक बिल्कुल कम ही रखें। अब चेक कर लेते हैं गाइस, ये आफ्टर 5 मिनट्स आप देख सकते हैं गाजर, मटर और टोफू, सोया पनीर, गाइस आप देख सकते हैं सब आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर हो चुके हैं बिल्कुल ये। तो अब सिंपली यहाँ पे मैं टोमेटो सॉस, केचप ये यूज़ कर रहा हूँ। और वैसे आपके पास चाट मसाला है तो आप उसे भी इस स्टेज में ऐड कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। अब गाइस ये कुक हो चुका है तो फाइनली गैस को बंद कर दें। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे जो कैप्सिकम दो जिसे मैंने हाफ में कट कर लिया था, फिल करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें रिफाइंड ऑयल या कोई भी ऑयल आपको इसमें डालना है चारों कैप्सिकम में, और फिर इसे अच्छे से इसके सारे कॉर्नर्स पे उस रिफाइंड ऑयल को स्प्रेड कर देना है। तो फाइनली फिलिंग करते हैं। फिलिंग करने से पहले गाइस एक चीज़ का ध्यान दें, हमें हल्का सा सॉल्ट इन चारों पीसेस पे डाल देना है ताकि गाइस जो शिमला मिर्च है वो फीकी फीकी ना लगे। तो अब यहाँ पे हम छोटे से चम्मच से भरना स्टार्ट करेंगे। गाइस स्टफ हमें अच्छे से करना है, कोई भी कॉर्नर रह ना जाए, अच्छे से स्टफ करना है हमें फिलिंग को, ध्यान रहे। तो इस तरह आप सभी कैप्सिकम को एक एक करके स्टफ कर लें। भाई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टफ कैप्सिकम में सिर्फ कैरेट्स या फिर मटर को ही स्टफ करना है। मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, हमारे घर में कुछ चावल बासी बच जाते हैं तो आप चाहें तो उन राइस को भी इसमें स्टफ कर सकते हैं। इवन कई बार सब्जी बच जाती है कुछ हमारे घर में सुबह शाम रात की कभी भी, तो आप चाहें तो उसे भी इसमें स्टफ कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो अगर आप एग प्रेफर करते हैं, अगर आप अंडा खाते हैं तो आप सिंपली इसमें कच्चा अंडा तोड़ के उसे बेक भी कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है ये। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप इसे यूज कर सकते हैं। जो कैप्सिकम है ये देखा जाए तो एक टाइप का वर्सेटाइल वेजिटेबल है, तो जैसा चाहे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस मेरे यहाँ पे स्टफिंग अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी है, मैंने सभी कॉर्नर्स पे अच्छे से स्टफ कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इसे कुक करते हैं। अब गाइस इसे कुक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है नॉनस्टिक, चाहे तो आप जो हमने पहले पैन यूज़ किया था उसे भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैंने ज़्यादा नहीं 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। इसका रीज़न ये ताकि नीचे चिपके ना जब हम इसे कुक करें, क्योंकि गाइस हमें स्टिल इसे 15-20 मिनट्स कुक करना है तो ये नीचे चिपक सकते हैं। तो इस तरह मैंने इन चारों पीसेस को आराम से फिलिंग वाला पोर्शन ऊपर करके सेट कर दिया है। तो अब इसे ढक्कन लगा के कुक होने दें एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, जो फीलिंग है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, पक जाए। सो गाइस बीच में हम चेक कर सकते हैं आफ्टर 10 मिनट्स, आप देख सकते हैं ये थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं। आप चाहें तो चम्मच की मदद से थोड़ा इसकी साइड्स भी चेंज कर सकते हैं ताकि ये नीचे से लगे ना। तो गाइस आफ्टर 10 मिनट्स ये कुछ सॉफ्ट हो चुके हैं, काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। सो गाइस अब इस स्टेज पर क्या करना है हमें, ये मैं सिंपली यहाँ पर इसके ऊपर चीज़ ग्रेट कर रहा हूँ। गाइस ये होममेड चीज़ है मोज़रेला, मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी,
और अगर आप इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप पूरी रेसिपी देख सकते हैं। तो सिंपली गाइस इसे भी हमने चारों पीसेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना है। अभी ध्यान रहे बहुत ज़्यादा ऐड मत करें, थोड़ा थोड़ा, और फिर इसे ढक्कन लगा के पकने दें एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर छोड़ दें। अगर हल्का से नीचे से जल भी जाएंगे तो टेंशन मत दीजिए, टेस्ट इसका अच्छा आएगा। तो वैसे आप चेक कर सकते हैं अब यहाँ पे आफ्टर 15-20 मिनट्स ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं, चीज़ भी पक चुकी है। सिंपली यहाँ पे मैं गैस को टर्न ऑफ कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस अब इसकी अच्छी सी प्लेटिंग करते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पे वाइट प्लेट ले ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टोमेटो केचप, ये गाइस आपकी चॉइस है जैसे आप यूज़ करें। मैं सिंपली यहाँ पे छोटी सी एक सिंपल सी प्लेटिंग कर रहा हूँ, उसके कुछ इस तरह मैंने चम्मच से स्वाइप कर दिया था। अब गाइस मैं यहाँ पे इन पीसेस को आराम से इस प्लेट पे रखूँगा। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो गाइस मैंने अभी 3 ही पीस रखे थे। सो गाइस लास्ट में इसके ऊपर मैंने कुछ चॉप्ड मिंट पुदीना इसके ऊपर ऐड कर दिया था, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। गाइस अच्छा टेस्ट देगा ये मिंट का, और अगर आपके पास ड्राई मिंट पाउडर है तो आप उसे भी इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फ्रेश मिंट लीव सॉस के ऊपर रख दी ताकि ये फ्रेश लगे, देखने में अच्छा लगे, आई अपील लगे। सो फाइनली गाइस चीज़ स्टफ्ड कैप्सिकम बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं चाहता हूँ आप इसे एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। तो गाइस जैसा मैंने आपको पहले बताया था वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि ये रेसिपी बनाने में जितनी आसान है खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो आप प्लीज़ इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप शोइंग योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।